तो दोस्तों आज लखनऊ में है संडे और हम लोग का लास्ट दिन है घूमने का लखनऊ में, क्योंकि कल हम लोग जो है अपने घर की तरफ चल देंगे। सो आज आप लोगों को आज व्लॉग बनाना बनता है और आप लोगों को दिखाना भी बनता है। फिलहाल हम लोग आ गए हैं हज़रतगंज मेन और कर दिए कार पार्क, और अब जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे एक्सप्लोर थोड़ा सा हज़रतगंज, क्योंकि सबसे अच्छी जगह हमें लखनऊ में जो लगती है वो हज़रतगंज का इलाका लगता है। यहाँ पर आपको सारी शॉप्स एक ही कलर की दिखेंगी, येलो और ब्लैक कलर की, और यही इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। सारे शोरूम बड़े बड़े और सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। सहारागंज मॉल भी यहाँ पर है, जो कि बहुत ही फेमस मॉल है लखनऊ का, पुराना मॉल। ये देखिए आप हज़रतगंज की खूबसूरती, कितना प्यारा लग रहा है। और नेकेड आई से तो बहुत ही खूबसूरत है, बाकी आप लोग को कैमरे में कैसा दिख रहा है ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों अब हम लोग जनपद मार्केट मीना बाज़ार में हम लोग एंटर कर रहे हैं, नहीं मीना बाज़ार में फाइट, फिलहाल जनपद मार्केट में हम लोग एंटर कर रहे हैं। दिखाते हैं यहाँ काहे काहे की शॉप है, फिलहाल बीच में खड़े हुए हैं रोड के, ये चलो। तो दोस्तों हम लोग फिलहाल जनपद मार्केट में अंदर हो गए हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं, कुछ चीज़ें थी चेन वगैरह गले में आप लोग देख रहे होंगे, तो ये डाल लिए फिलहाल, और एक रिंग ले ली है फिलहाल। अब यहाँ से जाते हैं हम लोग लव लेन और वहाँ से शीदा को लेना है टॉप, और देखते हैं टॉप लेती हैं क्या नहीं, और उसके बाद पीते हैं चाय, और चाय पीने के बाद हम लोग चलेंगे मरीन ड्राइव। ये देखिए दोस्तों बिल्डिंग पे जो है हल्की सी ब्लूइश लाइट कर दी है, बड़ी खूबसूरत लग रही है लाइट, हालांकि चेंज कर रही है कलर थोड़ी थोड़ी देर में, और कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये है हमारा साहू सिनेमा, साहू ये बहुत ही पुराना यहाँ का सिनेमा है और हज़रतगंज का मशहूर सिनेमा है। थकार के हम और शहरी बैठ गए हैं यहाँ पर, बीच में जो बना हुआ है ये इसे कह सकते हैं डिवाइडर, और जगह तो है नहीं क्योंकि आज संडे का दिन है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो थक रहे हैं बीच बीच में, लेकिन तब भी सफ़र जारी है। तो बच्चे यहाँ थकार के बैठ गए हैं इस पे ब्रेकर्स पे, हाँ, और यहीं पर सस्ता रहे हैं फिलहाल। हाँ शेरी चू, अच्छा लग रहा है शेरी, अच्छा लग रहा है शेरी। और ये दोस्तों सामने है रॉयल कैफे की चाट, ये काफ़ी फेमस है, टेस्टी भी काफ़ी होती है, ये काफ़ी फेमस चाट है और रॉयल कैफे की, और काफ़ी बड़ी चाट होती है, काफ़ी टेस्टी भी होती है, और हम दिखा चुके हैं। आप लोग हज़रतगंज आएँ तो रॉयल कैफ़े की एक बार चाट ज़रूर खाएं। इन लोग को दिख गई है हज़रतगंज में बताशे की शॉप, ये जहाँ भी दिख जाती है वहाँ रुक जाती है, फिर कहती हैं हम मोटे क्यों हो रहे हैं। खाओ खाओ बढ़ाओ भाईचारा बढ़ाओ, रईस भाई भी खा रहे हैं, नहीं हम नहीं खाएंगे, आप भाई हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं खाएंगे नहीं हम, ना ना ना, बच्चों को प्लेन दिलवा दो, बच्चों में काफी खुशी की लहर है बताशे देख के। भैया एक बच्चे की शादी है, दोस्तों कर लिया थोड़ी सी शॉपिंग और अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, यहाँ से निकलेंगे मरीन ड्राइव, और आओ शीदा, और फिर शाम में कुछ गेस्ट के साथ करते हैं डिनर और करते हैं आज के व्लॉग का एंड, काफ़ी मज़ा आया होगा। ये हज़रतगंज का कुछ सीन, और अभी हम लोग जो है मरीन ड्राइव का सीन दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों हम लोग आ गए रिवर साइड आइनॉक्स मॉल में, पहली बार आए हैं यहाँ और काफ़ी ठंडक है इधर, ये सोच के नहीं आए थे क्योंकि यहाँ पर रिवर साइड में है, तभी इसका नाम है रिवर साइड, और ये मॉल भी बहुत बुरा है। फिलहाल मॉल में शॉपिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, मॉल तो नहीं कहलाएगा ये, हाँ ग्रॉसरी स्टोर कहलाएगा, और साथ में एक आइनॉक्स का सिनेमा हॉल है जिसमें आप मूवीज देख सकते हैं तरह तरह की। और फिलहाल अभी कौन सी लगी है बात उलझी सी, पता नहीं कौन सी करके, हमें तो आजकल मूवीज का भी नहीं पता है, ठंड हो रही बहुत, तबीयत हो रही ख़राब फेड़ से, तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट डिनर के लिए, और उसके बाद जो है करते हैं आज के ब्लॉग का एंड और लखनऊ की सीरीज़ का एंड। बाय शहरी, साथ चल रही है कार में ड्राइव करने के लिए, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। शहरी कहाँ जा रहा है शहरी, शहरी बताओ। चलो, और इधर जा रही है जारा,
वाइट वाली कार में। शेरी चल रही है हमारे लॉन्ग ड्राइव पे। अरे शेरी भाई इधर लाओ जरा घुमा के। अरे वाह वेरी गुड। पीछे लाओ, कहाँ घुसेड़े दे रहे हो तुम? अच्छा शेरी इधर घुमाओ इधर। हाँ ये, अरे वाह वेरी गुड शेरी। तो दोस्तों हम लोग का प्लान चेंज हो गया और जहाँ जाने को दिमाग नहीं जा पाए क्योंकि हमारे जो गेस्ट थे वो आ नहीं पाए और अभी हम लोग आ गए इमामबाड़े साइड और यहाँ से खाना करा लिया पैक क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी और अब यहाँ से हम लोग खाना पैक करा के अपने फ्लैट पे जा रहे हैं, वहीं डिनर करेंगे और कुछ इमामबाड़े का व्यू और बहुत ही खूबसूरत जगह है और आप लोग एक बार ज़रूर आइए। खाने का हब है यहाँ पर, लाइन से खाने का रेस्टोरेंट है, सब चीज़ लाइन से मिलती है खाने की और रात ही में दुकानें खुलती हैं, दिन में नहीं खुलती हैं, ये बात ध्यान में रख के आइएगा। और बड़ा इमामबाड़ा और इतना खूबसूरत है, जल्दी मिलते हैं आपसे दोबारा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह।